नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज मैं करूंगी कुर्ती की कटिंग जो मेरी ही है। सिलाई के बाद आपको डाल के भी दिखाऊंगी। ये है फैब्रिक, ये इस पे नीचे ऊपर बॉर्डर दिया हुआ है, अलग कपड़े का लगाया हुआ है। नीचे ये पट्टी दी हुई है, छोटे छोटे ये मोती से लगे हुए हैं। इसके बीच में ये जोड़ है, पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। पहले हम दोनों हिस्सों को अलग अलग कर लेंगे। ये गले का सेंटर पॉइंट लेंगे, जो हमारा ये गले पे बॉर्डर लगा हुआ है। दोनों कोनों को ऐसे देख लेंगे, ऊपर नीचे से हमारे ऊपर बराबर है या नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे है तो हमारा गले का डिजाइन मतलब ये अच्छा नहीं लगेगा, टेढ़ा जाएगा। ये इस तरीके से हम रख लेंगे कमीज को। लेंथ हम कितनी लेंगे, लेंथ इसकी जितनी है हम उतनी ही लेंगे, क्योंकि इसमें कम ज़्यादा हम नहीं करेंगे। 44 या 45 लेंथ हमें चाहिए, इसकी इतनी ही लेंथ है, 45 लेंथ है, हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। पहले हम तीरे का निशान लेंगे, तीरा है हमारा 6.5 इंच। साढ़े छः इंच का हम मुड्ढे का निशान लेंगे। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। चेस्ट है हमारी 18 इंच, कमर है हमारी 15.5 इंच तैयार। पंद्रह इंच पर हम हिप का निशान लगाएंगे। 7.5 इंच पर हम कमर का निशान लगाएंगे। 7.5 इंच चेस्ट और कमर को ऐसे गोलाई में हम मिलाएंगे। ये लाइन हमें ये अगर हम ये ऐसे तिरछा कर देंगे, बिल्कुल तिरछा, तो इसे हमारे चेस्ट पर दबाव पड़ेगा और हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो हमें ये थोड़ी सी गोलाई लेनी है, एक पैर की ज़्यादा भी गोलाई नहीं लेनी है। इप है हमारी 21 इंच तैयार। घेर लेंगे हम 22 इंच तैयार।
ये तो लगा लिए हैं हमने तैयार निशान। 2 इंच का मार्जिन छोड़ के हम एक और निशान लगाएंगे, रफ निशान, जिसके जो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए वो हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं, 2.5 लो, 2 लो, 1.5 लो, जितना हमें मतलब लेना है उस हिसाब से हम ले लेते हैं, बाकी ज़्यादा कपड़ा लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। सवा इंच करेंगे मुड्ढे की गोलाई, इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और जहां हमने ये निशान लगाए हैं वहीं से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब करेंगे हम बैक की सेक की कटिंग, ये जो सिलाई लगी हुई है चारों तरफ पहले इसको निकाल लेंगे। और पूरे कपड़े को प्रेस के साथ सीधा कर लेंगे। तो ये हमने सारी कानियों की सिलाई उधेड़ के इसको प्रेस के साथ सीधा कर लिया है। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, जितना हमारा घेर है उस हिसाब से। नीचे हमारी फोल्ड करने की पट्टी अलग से लगेगी। ये थोड़ा सा तिरछा हम मुड्ढे को तीरे को काट लेंगे। एक इंच कपड़ा हमारा ऊपर एक्स्ट्रा है, साथ के साथ हम इसे थोड़ा सा तिरछा ले लेंगे। ये जो हमारा उधेड़ते हुए थोड़ा सा मतलब कट बन गया था इसे हम सिलाई में लेंगे और बाकी हमारा बैक वाला हिस्सा फ्रंट वाले के सेम कटेगा। कमीज काटने का, सभी कमीज काटने का हमारा तरीका एक ही रहता है, बस फिटिंग अलग अलग होती है। हमारा तरीका सही होना चाहिए, हम किसी भी फिटिंग का सूट काट सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट और बैक हिस्सा दोनों की कटिंग हो गई है। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग,
बाजू में जो हमारा ये कटा हुआ है इसको हम अलग निकाल लेते हैं। बाजू हमें पौनी तैयार रखनी है। बाजू में हम डिजाइन तैयार करेंगे, उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। पहले हम सिंपल बाजू की कटिंग करते हैं। इसमें हम डिजाइन बनाएंगे बुकरम के साथ सिलाई करते हुए। इसमें हमें एक्स्ट्रा फोल्ड करने का कपड़ा नहीं लेना है, मतलब जो सिलाई का हम हाफ इंच जो हमारा सिलाई में जाता है उतना कपड़ा छोड़ के जितनी हमारी तैयार लेंथ है, तैयार लेंथ हमें रखनी है 16 इंच, तो 16.5 इंच हम यहाँ ले लेते हैं। और इस तरह से हम कपड़े को अलग निकाल लेते हैं। इसको फोल्ड कर लेते हैं। पहले हम मुड्डा देख लेते हैं। मुड्डा इसमें होगा हमारा 9 इंच का तैयार। इस तरह से हम रख लेते हैं बाजू को। बंद हिस्से को हम बाहर की तरफ रखते हैं और खुले हिस्से को हम हमारी तरफ रखते हैं। बाजू की मोरी तैयार रखनी है हमें 5 इंच, तो हम यहाँ 6.5 इंच कपड़ा ले लेते हैं। मुड्डा है हमारा 8.5 इंच है, गोड़ाई में आके ये 3 इंच हम मुड्डे की गोड़ाई करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। हाफ बाजू की करते हैं हम 3.5 इंच गोलाई और पौनी बाजू की करते हैं हम 3 इंच गोलाई मुंडे की। इस तरीके से हम निशान लगाते हैं। ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। अब हम करेंगे इनर की कटिंग। ये हमारी 3 मीटर इनर है। इसमें साथ में हम प्लाजो की इनर लेके आए हैं और साथ में कमीज की। इसमें से 1 मीटर इनर हम अलग निकाल देते हैं। इनर को खोल के फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। ये इनर हमने धोया नहीं है, तो इसमें हम साथ के साथ 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। अगर धोने के बाद हमारा श्रिंक हो तो हमारे कमीज में चुनटे ना आए। बैक वाला हिस्सा रख के हम इनर की कटिंग करते हैं। इस तरह से हम इनर को लूज रख लेंगे। ये देखिए हमने 1/2 इंच इनर को एक्स्ट्रा ले लिया है। ये वाला हिस्सा हमारा पेंट प्लाजो के फ्रंट हिस्से में हम यूज करेंगे। दादा।
ये कर ली है हमने इनर की कटिंग। तो ये थी हमारी कुर्ती स्लीव और इनर की कटिंग। इसमें बाजू का डिजाइन और गले का डिजाइन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको मेरी ये कटिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।